हेलो एवरीवन वेलकम टू डे वीडियो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड मूव्स का बिटकॉइन के फेब्रवरी में एंड फेब्रवरी थोड़ा सा बेरिश होने वाला है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्योंकि जनवरी वाज बुलिश एंड जब भी जनवरी बुलिश या बेरिश होता है तो फेब्रवरी यूजली उसका उल्टा होता है हमने हिस्टोरिकल डेटा से देखा तो आज हम इसको चार्ट पे डिस्कस करेंगे प्लस आइड गिव यू वन ऑल्ड कॉइन जिसपे हमारी नजर रहेगी एंड जिसको मैं फेब्रवरी के डिप में यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो चलो चलते हैं चार्ट की साइड एंड देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के फोर आर चार्ट से एंड

सेवन डॉलर्स के एरिया था तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा तो अगर आप रिस्क मैनेज करना जानते हैं तभी इसको लेना इसलिए मैंने आपसे कल ये शेयर नहीं करा था बिकॉज लोग जो है रिस्क इतना मैनेज नहीं करते हैं मेरे सारे ट्रेड फोर टू फाइव एक्स पे होते हैं लेकिन आप लोगों के सारे ट्रेड टेन टू ट्वेंटी होते हैं तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करते हुए चल रहा बिटकॉइन की अगर हम अब बात करेंगे तो फेबर में क्या एक्सपेक्टेड है राइट तो मैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन का तो सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है लोकल सपोर्ट वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एरिया वॉज दी सपोर्ट फॉर द लास्ट अपसाइड मूव अभी ये जो है रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यहां पर हम एक्सपेक्ट करें कि बेटक जाएगा रिटेस्ट करेगा इस्वेंटी वन डॉलर तक है तो यह मेरा एक्सपेक्टेशन है फेब्रवरी का मूव जो कि बेटकॉइन का रहेगा अगर हम इस टाइम पे जाके देखें फ्यूचर्स को तो आज फ्यूचर्स यही सिग्नल कर रहे हैं कि हल्का सा पुल बैक आएगा उसके बाद लेटर इन द डे एक अपसाइड हमें मूव देखने को मिल सकता है तो बेट का अगर आप रिलीटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोकल सपोर्ट के एरिया तक जाएगा उसके बाद बाद वहां से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे हम नजर रखेंगे इसके बाद जो कॉइन मैंने आपको बताया अब स्पॉट वाले काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आप स्पॉट के सिग्नल शेयर नहीं करते हो तो स्पॉट के लिए यार यूजली हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग यूज करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम अप ट्रेंड्स को चेज करते हैं जो भी कॉइन कोई भी कॉइन हो वो अगर अप ट्रेंड में है तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे अगर वो अपना ट्रेंड चेंज करता है तो हम उसको सेल ऑफ करते हैं तो इस टाइम पे रोज पे मेरी नजर है रोज और यूएसडी के पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट है इस में, एरिया में डीसीए तो की स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप अपना जो कैपिटल लेट से हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा करके बांटो बत्तीस तक के नीचे के मूव पे हम इसको रखेंगे एक्सपेक्टेशन क्योंकि अभी बेटकॉइन ने पुल बैक लेना है तक, तो रोज मैं यहाँ पे बाय करता चलूंगा लग रहा है कि काफी ऊपर है लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत और जान बची है उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, है टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे, तो पे, देखो तो पे भी सॉलिड एक अपट्रेंड मूव देखने को मिल रहा है दिस काइंड ऑफ चैनल इज फॉर्मिंग एंड ये रिटेस्ट करने आएगा जीरो वेरी वेरी नाइस फॉर दिस रीजन तो यहाँ पे हम इसको देखते हुए चलेंगे इसके बाद बात करते हैं शिवा इन राइट तो आज इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया के बाद शिवा इनु डोज कॉइन फ्लो की इनु ये सब ज्यादा जो है पंप करने लग गए तो आल से कि मीम कॉइन्स को यार अवॉइड करते हुए ही चलो ठीक है मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करके गैम्बल करने का कोई फायदा नहीं होता है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत टीए यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि पब्लिक डिमांड इज टू मच एंड व्यूज मुझे भी चाहिए बना लेंगे ये सब है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं शीबाइनू का टी ए यहाँ पे एक ट्राइंगर बन रहा है एंड यहाँ पे इसके ब्रेकआउट का आप चाहे तो इंतजार कर सकते हो बनाना इजी है अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट ना के बराबर है नीबाइनू पे थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम अगर यहाँ पे आता है ब्रेकआउट करता है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट चाहे तो कर सकते हो आई पर्सनली विल नॉट बी इन्वेस्टिंग आपको भी सजेस्ट करूंगा मत करो बट अगर आप शिट कॉइंस में खेलना चाहते हो तो दिस इज वन थिंग यू कैन डू एंड फ्लो की इनू पे भी हम एक डिस्कशन कर लेते हैं इसमें भी काफी ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है करने की तो इसको भी हम डेली पे थोड़ा देखते हैं एंड डेली पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जो है फॉर्म हो रहा है तो यहां पे डबल टॉप का जो बेस है वो जीरो पॉइंट जीरो 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 टू जीरो फर्स्ट टॉप है ये सेकेंड टॉप है तो यहां से अगर पुल बैक आता है तो इस एरिया में मैं फ्लोकी को शॉर्ट करने की सोचूंगा काफी लोगों को नहीं पता डबल टॉप क्या होता है तो उसका एक एग्जाम्पल जो है आप यहां पे देख सकते हो डबल टॉप पैटर्न में दो टॉप्स बनते हैं एंड उसके बाद एक नेक बनता है जिस नेक के ब्रेक पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो ठीक है इस तरीके से परफॉर्म करेगा एंड फिर यहां से नीचे जाएगा क्योंकि यहां इलोन मस्क के ट्वीट से ही ये पंप आया है कुछ नया यहां पे नहीं हुआ है तो फिर वहां पे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्ट की क्रिएट करके देता है अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता है तो इग्नोर इट दैट अ वेरी क्विक अपडेट ऑन दी मार्केट आज हमने डिस्कस किया कि बिटकॉइन का फेब में क्या मूव होने वाला है अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है आप जाएगा हम ट्वेंटी फाइव के तक बिटकॉइन को टच कर सकते हैं तो फेब में एक पुल जरूरी है ट्वेंटी से ट्वेंटी के एरिया तक वहां पर मैं पिकअप करने

बताया कि पॉसिबल ब्रेकआउट किया कि यहाँ पे पुल बैक आएगा तो शॉर्ट करने का जो रेंज है वो क्या रहेगा Double top से अब इसको कर सकते हो एंड दैट इट फॉर दिस होपफुली आपको अच्छी लगेगी मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल अगर आपने नए पे थैंक यू फॉर वॉचिंग आस सी नेक्स्ट वीडियो